पहले से दरा हुआ है, यानी कि तो दो भाग में टूटा हुआ है। बहुत सारे राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। आज हम लोग आए धनिया का बुआई करने के लिए, जो कि काफी गर्मी है और इस समय धनिया जनरेशन होना काफी मुश्किल होता है। तो हम लोग अभी एक शेड्यूल लेके चलेंगे और अच्छे से शेड्यूल इसका बनाएंगे, सिंचाई से लेके बुआई तक का पूरा कंप्लीट, यानी कि हार्वेस्टिंग तक का पूरा एक शेड्यूल बनेगा। उसमें कैसे इसका बुआई करना है, कब तक सिंचाई करना है, कौन कौन टाइमिंग में सिंचाई रहेगा और कितना दिन के बाद इसका हार्वेस्टिंग होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तब आप सभी को पूरे समझ आ जाएगा। और एक इसका शेड्यूल वीडियो आप सभी को मिलते रहेगी टाइमिंग टाइमिंग से। तो हर एक दिन में 7 बजे के लमसम में आप सभी को वीडियो मिलेगा, पर 7 बजे के लमसम में एक वीडियो हो सके, कोई और भी वीडियो हो सकता है, पर इसका जब भी शेड्यूल बनेगा, यानी कि धनिया का जब भी यहाँ पे बुआई का वीडियो बनेगा, तब आप सभी को 7 बजे हमारे चैनल में देखने को मिलेगा। तो आप सभी को हमारी वीडियो का देखना धनिया का कंप्लीट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि आप उसी थ्रू हमारे वीडियो देख पाओगे। तो चलते फटाफट अभी इसमें केरी पहले तैयार करेंगे और इसके बाद इसमें धनिया का बुआई करेंगे। तो किसान साथी, अभी हम लोग यहाँ पे केरी नाप लिए हैं। केरी का साइज आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब 6 से लमसम 7 फीट का दूरी है। यहाँ पे अभी हम लोग ये कांटी को, ये रस्सी ऐसा है और यहाँ पे कांटी लगाकर इसको सीधा करके यहाँ से लेके एक केरी तैयार करेंगे, जो कि पानी जाने के लिए हमारा रहेगा, पानी इसी में उतरेगा और उसके बाद छोटे छोटे केरी तैयार होंगे और इसके बाद जो जनरेशन होगा सो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलेगा। तो चलते फटाफट केरी तैयार करते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पे हम लोग पूरा ये जो पानी उतरने वाले लाइन है वो हम लोग अभी बना लिए, दो इधर एक है और एक वहाँ पे और एक यहाँ तीसरा लास्ट यहाँ पे है। और ये हमारा धनिया है, यहाँ पे रखा हुआ कंपनी धनिया देहाती, और यही इसी का बुआई होगा। यहाँ पे फाड़ने के बाद ये कुछ इस तरह दाना यहाँ पे दिख रहा है, इसका दाना जो है देहाती वही ने तो किसान साथी, यहाँ पे है ये जो दाना पहले से दरा हुआ है, यानी कि तो दो भाग में टूटा हुआ है। बहुत सारे पैकेट में निकलता है कि गोटा दाना रहता है ये बीज पूरा, और ये हमको टुकड़ा हुआ मिला है कंपनी की तरफ से। तो ये अभी हम लोग इसको छींटते हैं फटाफट और पूरा बराबर मात्रा से छींटना है ये पूरी 3 केरी में। तो किसान साथियों, यहाँ पे एक पारी हम लोग का कंप्लीट हुआ और ये डेढ़ पारी, मतलब ये एक पैकेट में गया तो एक पैकेट और है, तो यानी कि डेढ़ पारी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो डेढ़ डेढ़ पूरा कंप्लीट मेरा 3 पारी का बुआई हो जाएगा। और इसमें केरी तैयार करना होगा गर्मी के मौसम में, अच्छे से केरी तैयार करना होगा क्योंकि जनरेशन अच्छा होना चाहिए। आप सभी यहाँ पे देखिएगा तो आप सभी को धनिया पूरा दिखेगा और पूरे हो सके तो मात्रा ज़्यादा करके छींटे धनिया के, क्योंकि गर्मी का टाइम है, कभी भी जनरेशन हल्का फुल्का जो मर भी जाएगा तो आपकी बारी यानी कि खेत खाली नजर नहीं आएगा, धनिया से भरा हुआ दिखेगा दाना आप जितना ज्यादा अधिक गिराते हो। और इसमें अभी हम लोग चलेंगे 2nd केरी, यानी कि बुआई करेंगे उधर का डेढ़ पारी। पापा फाड़ लिए हैं, अभी जा रहे डेढ़ पारी वो बाकी है, उसको छींटते हैं। देहात धनिया है ना? देहात नया कंपनी लगा रहे हैं धनिया देहात, इसका पहले लगाया था भिनार का ने। इससे पहले वो बरसाती रहता था, मतलब हरी ठंडी मौसम में होने वाली थी, तो वो धनिया का था नाम। और ये जो गर्मी वाला धनिया है देहाती, ये जो है सो गर्मी में होने वाला है। धनिया तो छीट लिए, अब ज्यादा झोड़ा टालने के लिए
तो किसान साथियों यहाँ पे पापा पहले जा रहे दोंग मारते हैं, यानी कि ये जो केरी के जस्ट बगल में एक और केरी इस तरह सीधा लाइन बनेगा, उसी के बीच में यानी कि अंदर में ये केरी तैयार होंगे। तो पापा फटाक से वो करते हैं बगल में, बगल ये वाला केरी में, यानी कि यहाँ पे हम करते हैं। तो दोनों मिलते हैं, फटाफट करते हैं कि काम जल्दी हो जाए। इसके बाद सिंचाई भी करना होगा, सिंचाई का एक अलग शेड्यूल बनेगा, वो सिंचाई का अलग वीडियो रहेगा, तो इसको हम लोग फटाफट कम्प्लीट करते हैं। ज्यादा मोटा नहीं देना है, इतना पतला झोरा सजना है। ज्यादा मोटा रहने से भीड़ में पानी नहीं चढ़ेगा, पतला में पूरा पानी हाल चढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि पापा बता रहे हैं कि केरी का जो साइज रहेगी ये पतला रखना है, कि ये जो नमी पे यानी कि जिसमें नमी दोनों साइड से पानी पूरा हाल चढ़ेगा। हाँ, तो ये जो रहेगा यानी कि नमी पूरा चढ़ेगा, तो जनरेशन ऊपर के भी हिस्से में यानी कि ऊपर की सतह में ये जो बीज है यहाँ का भी जनरेशन होगा, जस्ट ये नीचे के भी बीज भी जनरेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं पतले पतले केरी तैयार हो रहे हैं। तो फटाफट हम लोग केरी तैयार करते हैं, तीन पारी है और समय का बात करेंगे तो 8 बज गया, तो फटाफट हम लोग तैयार करके इसको सिंचाई करेंगे। फिर तो किसान साथी यहाँ पर भी हम लोग का ये फर्स्ट पारी का मतलब आधा हो गया है, और पतला पतला ही सजना है और मोटा नहीं करना है। बाकी मौसम में यानी कि बाकी जो चलता हमारा, ठंडा हो गया, बरसात हो गया, ये सब में आप मोटा केरी तैयार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। उस समय के जनरेशन हो जाते हैं और मिट्टी में नमी ऊपर तक बनी हुई रहती है। अभी के मौसम में होता है कि गर्मी ज़्यादा है और पानी ऊपर तक नमी नहीं चढ़ता, तो ऊपर के जो बीज होते हैं वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। इस कारण से हम लोग पतला कर रहे हैं। अब पतला से आपको ये फायदा है कि जनरेशन आपका जितना आपका दाना है उसमें 80% यानी कि 80% जनरेशन हो ही जाएंगे। बाकी 20% थोड़ा बहुत जनरेशन तो आप समझ जाओ कि पूरा हो ही जाएगा, 20% थोड़ा बहुत मरता है, जैसे कि धूप ज़्यादा हो गया, सिंचाई में कभी एक लेट हो गया, कभी पानी डालने में लेट हो जाना, तो उस तरह के चीज में थोड़ा सा जनरेशन होने के बावजूद भी बीज मरना चालू हो जाते हैं, यानी कि जो पौधे तैयार होते हैं वो छोटे से मर जाते हैं। क्योंकि धनिया जो है वो नाजुक है, जैसे पालक ये सब है ना, तो उसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ है, हल्का सा भी धूप कड़ा पाया तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो जनरेशन होने के बावजूद भी मर जाता है। तो किसान साथियों यहाँ जैसे कि आप देखा कि हमारे काम कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हम लोग बुआई भी कर लिया, प्लस यहाँ पे केरी तैयार हो गया हमारा कंप्लीट। पापा भी अभी घर चल रहे हैं, हम भी घर चलेंगे, मुँह कान धोएंगे और फिर खाना वगैरह खाकर फिर आना होगा। नीचे के भिंडी में सिंचाई करना है और प्लस यहाँ पे भी सिंचाई करेंगे, पर ये सिंचाई हम लोग को वो सिंचाई करते करते तो इसमें शाम हो जाएगा, तो इसमें शाम में सिंचाई करेंगे, प्लस इसमें दवा जाएगा यानी कि घास ना जन्मे उसके कारण से। ये घास जन्मेगा तो निकाई गुड़ाई में ज़्यादा खर्चा होगा, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा तो हर एक किसान का उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग इसमें पैसा ना ज़्यादा लगे इसलिए इसमें घास ना जन्मने वाला का एक स्प्रे चलेगा सिंचाई के दौरान में चलेगा। जैसे कि काफ़ी वीडियो में हम बना चुके हैं कि सिंचाई के दौरान पर घास मरने की, घास ना जन्मने की दवा किस तरह डाल सकते हैं और घास ना जन्मे। तो आप सभी हमारे गाजर की बुआई और धनिया की बुआई में देखे थे, तो अभी देखिए उसमें एक भी घास नहीं है, थोड़ा बहुत घास आया था, तो अपने हम लोग खुद के घर के
आदमी खुद हम लोग निकाल कर उसको खत्म कर दिया और लेबर कॉस्ट वगैरह भी मेरा बच गया। तो इसमें भी सेम होगा किसान साथियों, आज हम लोग इसको सिंचाई भी कर देंगे प्लस दवा भी डाल देंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया किसान साथियों मेरा काम। और आप हमारे चैनल में न्यू विजिट करते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप पापा भी ब्लॉग बनाना चालू कर देंगे। तो वो ब्लॉग देखने के लिए आप सभी को बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना होगा, तब जाकर आप हमारे वीडियो देख पाओगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से जानकारी से अच्छे से टॉपिक में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।